शेर साहब अब्दुल्ला की मौजूदगी में बस एक बात मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान की सरजमीन है, एक शख्स मेंटल किस्म का है, दिमागी संतुलन अपनी जगह नहीं है, लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज किया, कहने लगा ओ लोगों अगर तुम मुझे किसी की तस्वीर ना दिखाओ, किसी का चेहरा ना दिखाओ, सिर्फ उसका अखलाक मेरे सामने पेश कर दो तो मैं उसकी तस्वीर बना सकता हूं। बहुत बड़ा चैलेंज, मैं उसकी तस्वीर बना सकता हूं। इससे भी बड़ा और चैलेंज उसने ये किया, अखलाक छोड़िए, किरदार छोड़िए, अगर किसी शख्स की पर्दे के पीछे से मुझे सिर्फ आवाज सुना दो मैं उसकी भी तस्वीर बना सकता हूं। अल्लाह, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। मैं बहुत कम लोगों में बहुत आला साथ को पेश करूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, अपने घरों तक उनको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की खैरात बना करके ले जाएंगे, बरकतें आपके दरवाजों का तवाफ करती हुई नजर आएंगी। सुन ले, बहुत बड़ा चैलेंज, पर्दे के पीछे से किसी की आवाज सुना दो मैं उसकी भी तस्वीर बना सकता हूँ। शायर ने इसको शायरी का रूप दिया, कहता है एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, जो लोग जानते हैं मैं माफ चाहूंगा, एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। क्या मशवरा करके सुभान अल्लाह कहेंगे, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं यकीन जाने आप, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपके मेयार से कहीं आगे की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल खामोशी का मुजाहरा ना करें, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक मुसव्विर था बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसर नाज ये चुप्पे से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना। एक दिन मैंने बसर नाज ये चुप्पे से कहा, एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर हो जिससे नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिरों बातें हालात। अब शायरी जरा सा रुख मोड़ती है, क्या मुसव्विर था अजब फातिफे असरार था वो, क्या मुसव्विर था अजब फातिफे असरार था वो, साहिबे कश्म था और साहिबे असरार था वो, साहिबे कश्म था और साहिबे असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मोहसिनो गमखार था वो, अलगरस सोचता हूं कितना समझदार था वो, अलगरस सोचता हूं कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहर लोला की शान, अब जरा खामोश ना रहे आप, एक दिन उसने दिखाई शहर लोला की शान, रख दिया सामने लाकर मेरे उसने कुरान, एक दिन उसने दिखाई शहर लोला की शान, रख दिया सामने लाकर मेरे उसने कुरान, मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आता वही तहरीर है ये, इसमें यासी है कहीं और कहीं बहा है, वल्लैल है वह शम्स है वह तुहा है, पर गए आयास से जब मैंने नबी को देखा, मुझसे बेसाख्ता उस वक्त ये मेरे निकला, बनवल गुलाबी कमाली ही यशफत तू जमी जमाली ही हसन जमी खिसाली ही सल्लू वाले ही बहाली ही, आला हजरत की सवाल में कहेंगे तो कहना पड़ेगा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नस जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है यही शमा है कि धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है यही शमा है कि धुआं नहीं। मैं आपकी समातों की कदर करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को सलामत रखे। अदब और इकराम के साथ मैं चाहता हूं नात के लहलाते हुए मिस्रों की बालियों से हमारे इश्क और मोहब्बत के जंबीर को पसंद करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हजरत नूरुद्दीन मंसूर साहब कबला से वो आए और नात के लहलाते हुए मिस्रों की बालियों से हमारी तमाम समातों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आने वाले असीम सना खान के इस्तकबाल कर ले, मोहब्बत से चीर लगा के बोले नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने सरकारे मदीना फैजाने गौसे आजम नारे तकबीर। ये भी है मौजज़े अहमद मुख्तार नया, जिक्र 100 बार करो लगता है हर बार नया।